अपडेट के बाद जिस प्लेन से हम नीचे लैंड कर देते ना, वो हो चुका है पूरी तरह से क्रैश। इसके साथ गेम पे कुछ ऐसे मिस्टीरियस अपडेट आए ना जो कि पूरी तरह से शॉकिंग है भाई। एंड मैप की हालत भी कुछ ऐसी हो चुकी है और प्लेन भी नीचे सीधे लैंड करने की जगह उल्टे लैंड करने वाला है। क्या बात कर रहे हैं भाई, सब कुछ दिखाने वाला बहुत ही खतरनाक। इस बार का अपडेट मेरा कुछ ज्यादा चेंज एंड खतरनाक सा होने वाला है, सो वीडियो पूरी एंड तक वॉच कर लेना। बट उससे पहले तो मैंने कुछ ग्लिचेस दिखाता हूँ। सो ये कालारी मैप, एंड तुम शायद क्लैश रॉयल सीएस मैच खेलते हो ना, तो ये वाला प्लेस तो उसके अंदर आता ही होगा। चलो देखा ही होगा। इसके नीचे से हम जाते हैं फाइट करने के लिए। यहाँ पर सामने एक बॉक्स है, देखो ये खासियत बॉक्स की, ये देखो। तुम्हारे पास एक सेंटेनियो होना चाहिए और उस बॉक्स के सामने अपने सेंटेनियो का यूज कर लेना। और जब फिर से यूज करोगे ना, व्हाट द हेक ब्रो, ये पूरी तरह से बॉक्स खाली है, फिर क्या है पता नहीं। लेकिन हाँ, तुम जब भी इस बॉक्स के सामने अपना सेंटेन यूज करोगे ना, तो ये इसके आर पर चला जाता है, पता नहीं कैसे। लेकिन इसके बीच में जाने के बाद अगर तुम सेंटेन यूज करते हो और फिर से जाते हो, तो भाई सीधे एक हाइड एंड अंदर छिप सकते हो। और इस वाले ट्रिक को ना तुम सीएस में या फिर रैंक में दोनों में ट्राई करके मजे ले सकते हो, काफी यूनिक है ना। चलो खास ये देखो। अब शायद तुमने इसके पिछले वाले में देखा होगा, हमने लॉन्च पैड के साथ एक ट्रिक किया था काफी यूनिक वाला, बट वो थोड़ा अलग था ना। चलो फिर से ट्राई करते हैं, लेकिन थोड़ा सा उससे और ज्यादा अलग होने वाला है। तो इस बार भी हमें सेंटेन चाहिए, लेकिन हमें खड़ा होना है इस ब्रिज के ऊपर पे, एंड जस्ट डायरेक्शन अपना मुंह फेस इस तरफ करना है। और हमें क्या करना है, ध्यान से सुनना, सेंटेनियो को यूज कर लेना और उसके बाद दोनों का यूज बटन एंड सेंटेनियो दोनों को सेम टाइम पे क्लिक करना है। चलो जैसे मैं करता हूँ, तो ये हमने सेंटेनियो पे क्लिक किया, सेंटेनियो गिरा नीचे और तुरंत से दोनों पे क्लिक कर देना है सेंटेनियो नीचे आने के पहले ही। उसके बाद तो यार जो होगा तुम सामने देख ही सकते हो, तुम हवा पे रन कर रहे हो ब्रो, नीचे कुछ भी नहीं है तुम्हारे सपोर्ट पे भाई। ये कैरेक्टर पूरी तरह से हवा पे स्टक हो चुका है। लेकिन हाँ, यहाँ पर अगर गेम को मिनिमाइज करते हो और फिर से ओपन करते हो, तो वही वाला ट्रिक हो जाएगा जो कि हमने पहले किया था। ये देखो मैं इस जगह पे हूँ, लेकिन जो मेरा उधर लॉन्च पैड है ना, वो पता नहीं कैसे यूज हो रहा है। और चलो इसे पूरी तरह से यूज करते हैं, तो वही वाला ट्रिक, खतरनाक उल्टे डायरेक्शन पे जंप करने वाला, ये वाला भी कूल है, सो ट्राई कर लेना। अब बंदे ना कुछ रैंक पुश तो ज्यादा ही करते हैं, तो एक दो ट्रिक तो उसके लिए तो बनता है ना खास। चलो पिक के ऊपर ये वाला पे, तो हमें चाहिए होगा एक पोर्टल, ये वाला। और इस पोर्टल को पिक के सामने बड़े वाला पत्थर देख रहे हो, जस्ट के सामने आके लगा देना है। और इसके बाद यूज करके सीधे इसके अंदर चले जाना। और यार क्या बोलूं, क्या खतरनाक सा प्लेस है, देख रहे हो एकदम कूल। और ये पिक पे पड़ता है तो भाई बंदे भी काफी ज्यादा यहाँ पर मिलेंगे तुम्हें, जोन भी बहुत ही लेट से यहाँ पे बनता है, तो काफी देर तक सर्वाइव कर सकते हो। जैसे कि सामने एक तो एनिमी आया हुआ है, तो अभी देखना मैं इसके अंदर से इसे किल करने वाला हूँ। सो बेटे ओके, अभी आई थिंक इससे ना पोर्टल से अंदर आने वाला होगा शायद से। आजा बेटे आजा तुझे, ओके गाइस ये लो भाई, बच गया ये। तो पोर्टल से अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, बट हमने इसे पहले टपका दिया एंड लिए 25 का डैमेज और ही ले। तो इससे भाई पता ही नहीं कि बंदे हमें मार कहां से रहे हैं। हाँ सीधा सीधा ना अपने एमओ से फायर मत करना, उसे डैमेज तो होगा बट वो फेक डैमेज होगा। तो इसे मारने के लिए ग्रेनेड यूज कर सकते हो या फिर इस तरह से बाहर जाके पीट सकते हो। क्या इजी तरह से मर गया ये, देख रहे हो। अभी तो मैं ना गरीना का एक स्कैम दिखाता हूँ, खतरनाक वाला भाई, लूट रहे लोग हमले। सो अभी गेम के अंदर आ चुका हूँ एंड मेरे पास तुम लोग टोकन देखो 500 है। चलो 200 टोकन मैं यहाँ से फिर से और लूट लेता हूँ, तो मेरे पास हो जाएंगे टोटल 700 टोकन। ओके एंड इतना नोटिस करना, मेरे पास 700 अभी भी है। एंड अब मुझे ना सोलो भी रिवाइव खेल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर मरने के बाद एक बार फिर से रिवाइव हो सकता हूँ। चलो साइड पर चलते हैं एंड एक बार यहाँ से किल हो जाते हैं। ओके मेरे पास अभी भी 700 टोकन है, नोटिस कर लेना। सो मैं यहाँ पर हो चुका हूँ किल, एंड दोबारा से फिर से रिवाइव होते हैं एंड चलते हैं उसी प्लेस पे जहाँ पे अभी हम किल हुए थे। अब यहाँ पर कोई बंदे है नहीं, कोई आया भी नहीं है, ना मेरा फ्रेंड है ना कोई है, तो जाहिर सी बात इससे कोई लूटा होगा नहीं, तो जो मेरे पैसे होंगे सब इसके अंदर सेफ होंगे ना। लेकिन चलो मेरे पास 100 टोकन तो पहले से है। और ये देखो जैसे मैंने इस बॉक्स को लूटा ना, मुझे 200 टोकन मिले। अबे मेरे 500 टोकन कहाँ गए, क्योंकि मेरे पास 700 टोकन पहले से थे और मरने के बाद यहाँ पर कोई आया भी नहीं है, ना मेरे फ्रेंड है जो कि यहाँ से घपले कर सकते हैं, तो मेरे पैसे गए कहाँ भाई। 500 लूट लिया इन लोगों ने, देख रहे हो। तो ये हर बार ही काम करता है, अगर तुम्हारे बॉक्स के अंदर 500 700 800 900 1000 कितने भी टोकन है ना, तो भाई 200 या 500 ही बचने वाले हैं। सारे टोकन पता नहीं क्या हो जाता है, कौन ले जाता है, क्योंकि अगर कोई एनिमी लूटता तो सबके सब लूट जाता भाई, आधा थोड़ी लूटेगा वो। लेकिन देख रहे हो ये तो गरीने वालों का ही काम है, पता नहीं ट्राई करके देखना एक बार तुम भी। खैर अपडेट का तो बेसब्री से सबको इंतजार होगा ही। गाइस ये देखो हमारे अपडेट का बाद का प्लेन, जो कि पूरे प्लेन पे आग लग चुका है। जी हाँ, अपडेट के बाद जब तुम प्लेन से नीचे लैंड नहीं करोगे ना, तो उसके ऊपर कुछ इस तरह से फायर आग लगने वाला है,
जो कि प्लेन अनकंट्रोल होने वाला है। अब जाहिर सी बात है भाई, प्लेन पर जब आग लग जाएगा तो तुम्हें सीधे तो नीचे लैंडिंग कराने वाला है नहीं, तो मैप में ना सर्कल शेप में राउंड करके उसके बाद नीचे लैंड करने वाला है, क्योंकि प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल है तो तुम्हें कहीं पे भी लैंड करना पड़ेगा। यार क्या कूलेस्ट फीचर्स है ना ये वाला, मस्त भाई। और उसके अलावा मैप का साइज भी छोटा हुआ है, तो मैंने तुम्हें बताया थे पहले से, ये मतलब आधे साइज का हो गया है। एंड इसके अंदर क्वालिटी भी काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया है, क्योंकि मैप में बहुत सारे जैसे ओल्ड वाला है एंड न्यू वाला है, जो कि बहुत सारे न्यू प्लेस में चेंजेस किए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें आती मैंने पहले चेंज वाले वीडियो में दिखा दिया था। हाँ कुछ कुछ रह गए थे, जैसे कि ये देख लो ओल्ड वाला पहले यहाँ पर भाई रेत रेते एंड थोड़े उसमें घास फूस अब उगा है, ये वाला हाउस भी चलो खैर ये तुमने देखा होगा। लेकिन यार मेन चीज तुम लोग ये देखो, ये हमारे गेम का अभी है एंड मान लो कोई बंदे ना गेम खेल रहा है और मैं गेम पे जाता हूँ, स्क्वाड करता हूँ भाई, किसी फ्रेंड को बुलाना है और वो किसी गेम को प्ले कर रहा है, जैसे कि यहाँ प्लेइंग शो कर रहा है, 2 मिनट 5 मिनट उसका गेम खत्म हो जाएगा, उतने टाइम तो मुझे वेट करना पड़ेगा, पता नहीं वो क्या क्या रहा होगा, कुछ भी नहीं पता ना। लेकिन अब गाइस ऐसा नहीं होने वाला, तो अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड जो प्लेइंग पे है किसी गेम के अंदर मतलब घुसा हुआ है, वो गेम खेल रहा है, 2 मिनट 5 मिनट टाइम दिखा रहा है कि वो कर क्या रहा है हमें पता नहीं है, तो अपडेट के बाद ना हम उस पे अगर नेम पे क्लिक करेंगे तो वहां पर हमें एक एक्सपेक्टेड का व्यू मिलेगा, जैसे कि ये देखो इस वाले ऐप पे क्लिक करोगे तो नीचे एक्सपेक्टेड का व्यू है। अब जब हम उस पे क्लिक करेंगे ना तो भाई सीधे हम उस बंदे के गेम के अंदर घुस जाएंगे और उसे हम देख सकते हैं कि वो आखिर में कर क्या रहा है, बंदों से पिट रहा है या फिर बंदों को मार रहा है, उसको लाइक भी कर सकते हैं। बोलो ये क्या ऑसम सा फीचर्स है ना। लेकिन ये थोड़ा गड़बड़ भी है कि किसी बंदे को भाई चाहते हैं कि नहीं यार मुझे चाहता कि मुझे कोई एक्सपेक्टेड में देखे, उसके लिए भाई सेटिंग पे एक प्राइवेसी नाम का ऑप्शन दे रखा है, जहाँ पे अगर तुम जाओगे ना तो यहाँ ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है, तुम चाहते हो कि बंदे हाँ देखे तो देख सकते हैं और चाहते हो कि कोई नहीं देख पाए तो भाई कोई देख भी नहीं पाएंगे। एकदम कूल है भाई ये वाला ऑप्शन, मुझे तो काफी तगड़ा लगा। और हाँ ये वाला इवेंट जो कि हमारे अपडेट में तुरंत से आने वाला है, सो उसका पोस्टर कुछ यूं देख लो गाइस, इसके अंदर कुछ इमोट्स बंडल एंड थोड़े बहुत बेकार सब कुछ मिलने वाला है। तो ये कुछ इवेंट का पेज ऐसा होने वाला है मिशन, जब हमारे गेम पे जैसे अपडेट आ गया ना तुरंत से गाइस आई थिंक ये वाला इवेंट सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा। ओके चलो अब एक कूल चीज और देख लो, क्या तुम चाहते हो कि अपने गेम पे एक फ्लाइंग व्हीकल बनाना, यार एकदम मौसम है, चलो तुम भी बना सकते हैं, थोड़े से स्टेप पे साथ में बताता हूँ। और ये होने वाला है हमारे क्राफ्टलैंड मैप के अंदर, सो हमें आ जाना है क्राफ्टलैंड मैप के अंदर, जहाँ पे हम मैप को क्रिएट करते हैं। और भाई तुम्हें कुछ नहीं एक छोटा सा बिल्ड करना है, ये वाला मतलब देख रहे ऑब्जेक्ट इसे ले लेना और यहाँ पर बीच में क्लिक करने के बाद इस साइड से ना एक सजेट करोगे तो इसका इंक्रीज मतलब साइज को ऊपर नीचे बड़ा छोटा सब कुछ कर सकते हैं। तो इसे हमें कुछ वॉल की तरह दो इस तरह से कर लेना है एंड एक इधर लगा देना है, उसके बाद सामने एक सीढ़ियों जैसा ऑप्शन है ये वाला, इसे भी थोड़ा इसी के साइज के कर लेना और इसके सामने लगा देना। फिर से एक नेक्स्ट में क्लिक करोगे दूसरे साइड पे तो यहाँ पर एक वाटर का ऑब्जेक्ट दे रखा है, अब इससे भी सेम हम छोटा बड़ा बढ़ा सकते हैं, तो इससे भी उसी छोटे जो घेरे बनाए हमने इसी के साइज का उसे भी कर लेना और इसके बीच में पूरा तरह से प्लेस कर देना है, बस हमारा हो गया एंड एक स्विमिंग पूल जैसा देखने को मिल रहा है। और हमें चाहिए होगा एक पानी वाली व्हीकल जो कि ये वाला है, इसे भी 2-4-5 स्पोन कर लेना और गेम को सीधा स्टार्ट कर देना। अब देखो गाइस मैजिक, हमने जो तालाब बनाया है ना यहाँ पे, बस अपने व्हीकल को लेना है इसके अंदर डुबा देना है और सीधे आगे से निकल जाना है। कुछ नहीं यार इतना ही करना था, इसके बाद ये व्हीकल फ्लाइंग व्हीकल बन जाता है। पता नहीं यार वाटर के अंदर जाने के बाद इसके अंदर कौन सी सुपर पावर आ जाती है, ये बंदा मतलब ये गाड़ी नीचे चल रहा था अब भाई हवा के ऊपर ही फ्लाई करता है और इसे तुम चाहो तो जितना ऊपर चाहे उतना कर सकते हो। जो तालाब का एरिया हमने बनाया ना वहाँ पर उस वॉल को थोड़ा ज्यादा ऊपर कर दोगे ऊंचा पे तो ये व्हीकल और भी ज्यादा ऊपर उड़ने वाला है, लेकिन जब इतना ऊपर चले जाएगा तो वो व्हीकल तुम्हें दिखेगा ही नहीं, तो थोड़ा नीचे ही रखना इतना भी काफी है एंड ये चीज ट्राई करना, सच में यार यूनिक एंड मजा आने वाला है। सो क्राफ्टलैंड में कुछ से तुम बना सकते हो ये।